हेलो दोस्तों, बोल रहा है मैं आपका स्वागत है सीधी बात नो बकवास के सीरीज में। आज बात करेंगे इस चार्ट का जिसमें मंथली ब्रेकआउट हुआ है और रिटेस्टिंग भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये मंथली चार्ट है, तो मंथली चार्ट की क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। पहले चार्ट के पैटर्न को समझते हैं, आखिरी चार्ट कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इस चार्ट में आपको एक अप ट्रेंड दिखाई देगा, एक अप ट्रेंड दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर देखेंगे एक ब्रेकआउट हुआ, देन उसके बाद अप ट्रेंड गया, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन आया, देन यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, देन यहाँ से ये ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो करीब 2022 से 2024 आ चुका है, यहाँ पर ये कंसोलिडेशन में चला गया था, ये कंसोलिडेशन में चला गया था। देन इस कैंडल में आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट हुआ, देन ब्रेकआउट होने के बाद ये रिटेस्टिंग हुई है और विथ वॉल्यूम के साथ। यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप वॉल्यूम भी है देखने को आपको मिलेगा। तो ये चार्ट के हिसाब से आप चाहे तो पोजीशन इसमें क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी क्लोजिंग जरूरी है। ब्रेकआउट तो हो चुका है, रिटेस्टिंग है, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें पोजीशन बनाने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये चार्ट मैं रिवील कर देता हूँ कि ये चार्ट है आपका IEX का। ठीक है, ये देखिए ये जो चार्ट है वो है IEX का, आप खुद भी इसको देख सकते हैं, ये मंथली चार्ट है। तो मिलते हैं अगले अगले चार्ट के साथ, अगले चार्ट के एनालिसिस के साथ सीधी बात नो बकवास की इस सीरीज में। बने रहिए बुल राइडर के साथ। बाय बाय।